काउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। टेली प्राइम के इस अध्याय में हम बताएंगे निल रेटेड, एग्जेम्प्टेड और नॉन जीएसटी सप्लाई के बारे में, साथ ही बताएंगे इनकी जीएसटी रिपोर्ट कहाँ दिखाई देती है। हमने आपको पिछली वीडियो में रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स के बारे में बताया था और आज के इस वीडियो में हम आपको निल रेटेड, एग्जेम्प्टेड और नॉन जीएसटी सप्लाई के बारे में बताने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि टेली प्राइम की सभी वीडियोस क्रमानुसार देखने में आपको सुविधा हो उसके लिए प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं निल रेटेड सप्लाई के बारे में। आप सभी जानते ही होंगे कि निल का मतलब शून्य होता है और जैसा कि हमने आपको अपनी वीडियो नंबर 74 में बताया था कि सरकार ने जिन वस्तुओं या सेवाओं को जीएसटी के अंतर्गत रखा है उनके लिए अलग अलग टैक्स स्लैब बनाए हैं जो कि वर्तमान में 0%, 5%, 12%, 18% और 28% हैं। इनमें से वो सभी गुड्स और सर्विसेज जो 0% टैक्स स्लैब में आते हैं यानी जिन पर 0% टैक्स लगता है उन्हें निल रेटेड गुड्स और सर्विसेज कहा जाता है। अब चूंकि निल रेटेड गुड्स पर 0% टैक्स लगता है यानी कि टैक्स का कोई अमाउंट ही नहीं होता है तो इन पर हमें ITC यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलता है। निल रेटेड गुड्स में अनाज, नमक इत्यादि आते हैं। अब बात करते हैं एग्जेम्प्टेड सप्लाई की। एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है छूट प्राप्त, यानी ऐसे गुड्स और सर्विसेज जिन पर जीएसटी का कोई भी स्लैब एप्लीकेबल नहीं होता है। सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जिन गुड्स और सर्विसेज पर जीएसटी नहीं लगता है वो एग्जेम्प्टेड की कैटेगरी में आते हैं। एग्जेम्प्टेड गुड्स में ताजा दूध, ताजे फल, ताजी सब्जियां, दही, ब्रेड इत्यादि आते हैं और एग्जेम्प्टेड सर्विस में एग्रीकल्चर में लगने वाली हार्वेस्टिंग, कल्टीवेशन इत्यादि सर्विस आती हैं। अब चूंकि एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज पर जीएसटी नहीं लगता है तो उन पर भी ITC मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें कि जब कोई रेगुलर डीलर निल रेटेड या एग्जेम्प्टेड सप्लाई देता है तो उसके बिल पर टैक्स इनवॉइस की जगह बिल ऑफ सप्लाई लिखा होता है। यहां पर हो सकता है कि आप निल रेटेड गुड्स और एग्जेम्प्टेड गुड्स में कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि दोनों पे ही टैक्स नहीं लग रहा है। तो सरल शब्दों में हम आपको इसका अंतर समझा दें। निल रेटेड गुड्स जो हैं वो टैक्सेबल की श्रेणी में आते हैं यानी वो टैक्सेबल है पर उस पर टैक्स 0% है, जबकि एग्जेम्प्टेड गुड्स वो गुड्स हैं जिन पर टैक्स लगता ही नहीं है यानी ये गुड्स टैक्स फ्री हैं। निल रेटेड गुड्स की सप्लाई पर टैक्स का कैलकुलेशन होगा और कैलकुलेशन होने के बाद टैक्स शून्य आएगा, पर एग्जेम्प्टेड गुड्स जो होती हैं उसमें टैक्स का कैलकुलेशन ही नहीं होता है। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि जब निल रेटेड गुड्स पर 0% टैक्स लगता है और एग्जेम्प्टेड गुड्स पर कोई टैक्स ही नहीं लगता है तो फिर इन दोनों को अलग अलग कैटेगरी में रखने से क्या फायदा है। तो यहां पर हम आपको बता दें कि निल रेटेड गुड्स पर अभी भले ही 0% टैक्स लगता है पर वे हैं तो टैक्सेबल की श्रेणी में और यही कारण है कि सरकार जब चाहे उन पर लगने वाला टैक्स रेट बढ़ा सकती है। इसमें रेवेन्यू सेक्रेटरी केवल एक नोटिस जारी करेगा और इसका रेट 0% से बढ़ा करके 5, 12 या 18% जो भी करना चाहे वो कर सकता है, पर एग्जेम्प्टेड गुड्स यानी कि जिन गुड्स को जीएसटी से छूट प्राप्त है उन पर सरकार टैक्स लगाना चाहे तो इसकी प्रक्रिया बहुत ही कठिन और लंबी होती है। अब हम बात करते हैं नॉन जीएसटी गुड्स और सर्विस के बारे में। ऐसे गुड्स या सर्विसेज जो कि जीएसटी स्कोप के बिल्कुल ही बाहर हैं यानी कि जिनका जीएसटी से बिल्कुल भी संबंध नहीं है और हो सकता है कि उन पर जीएसटी को छोड़कर अन्य टैक्स लगते हों तो उन्हें नॉन जीएसटी गुड्स और सर्विस की श्रेणी में रखा जाता है। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जो गुड्स और सर्विसेज जीएसटी नियम के बाहर हैं
उन्हें नॉन जीएसटी गुड्स और सर्विसेज कहते हैं। इसके उदाहरण हैं पेट्रोल, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और इलेक्ट्रिसिटी। ये ऐसे गुड्स और सर्विसेज हैं जिन्हें जीएसटी के बाहर रखा गया है। तो इस तरह से अभी आपने समझा कि निल रेटेड, एग्जेम्प्टेड और नॉन जीएसटी सप्लाई क्या होते हैं। चलिए अब हम टैली में इन तीनों प्रकार के गुड्स की एंट्री करना और उनकी जीएसटी रिपोर्ट देखना समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि निल रेटेड गुड्स की एंट्री कैसे की जाती है। वैसे तो हमारी इस कंपनी में हमारा व्यापार इलेक्ट्रॉनिक्स का है, पर हम आपको समझाने के लिए अनाज जो कि एक निल रेटेड आइटम है, जिसके अंतर्गत गेहूं, चावल, बाजरा आदि आते हैं, इनमें से हम वीट यानी गेहूं की एक परचेस की एंट्री करके आपको दिखा रहे हैं। हमने 1 अगस्त को अपने सप्लायर सुधाकर ट्रेडर्स से 100 किलोग्राम वीट 30 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से उधार खरीदे, जिसका बिल नंबर 11 है। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं, वाउचर के लिए वी प्रेस करेंगे। अब परचेज वाउचर के लिए F9 प्रेस करेंगे। सबसे पहले डेट चेंज करेंगे, यहां सप्लायर इनवॉइस नंबर डालेंगे, यहां सप्लायर के इनवॉइस की डेट डालेंगे, पार्टी अकाउंट नेम में पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे, यहां पर परचेज अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। हम नेम ऑफ आइटम पर आ गए हैं, यहां हमें वीट सिलेक्ट करना है जो कि अभी बना हुआ नहीं है, इसलिए हम क्रिएट पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे। नेम में टाइप करेंगे वीट, अंडर में प्राइमरी ही रहने देंगे। यूनिट में हमें किलोग्राम लेना है यानी केजी लेना है जो कि बना हुआ नहीं है, इसे भी क्रिएट कर लेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल ही रहने देंगे। अपसेट और ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करेंगे। ऐसा करते ही जीएसटी डिटेल्स की स्क्रीन आएगी, यहां हमें इस आइटम की जीएसटी डिटेल्स डालना है, उसके लिए पहले F12 की प्रेस करेंगे। अब इन तीनों ऑप्शंस को यस कर लेंगे। ये देखिए, ऐसा करते ही कुछ और ऑप्शंस आ गए हैं। डिस्क्रिप्शन में हम वीट टाइप करेंगे, HSN/SSC में वीट का HSN कोड 1001 टाइप करेंगे। इज नॉन जीएसटी गुड्स को नो ही रहने देंगे। कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू ही रहने देंगे। अब टैक्सेबिलिटी में तीन ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। चूंकि वीट एक निल रेटेड गुड्स है, इसलिए यहां हम निल रेटेड सिलेक्ट करेंगे। निल रेटेड सिलेक्ट करते ही हम स्टॉक आइटम क्रिएशन वाली स्क्रीन पर आ गए हैं। यहां पर टाइप ऑफ सप्लाई में हम गुड्स सिलेक्ट करेंगे और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे। हम 100 किलोग्राम वीट 30 रुपए के हिसाब से खरीद रहे हैं। अब CGST और SGST के लेजर सिलेक्ट करेंगे। देखिए, यहां पर कोई टैक्स कैलकुलेट होकर नहीं आया, जबकि पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि जब हम CGST और SGST के लेजर सिलेक्ट करते हैं तो टैक्स अपने आप कैलकुलेट हो जाता था। यहां पर टैक्स का कोई अमाउंट नहीं आने का कारण ये है कि हमने स्टॉक आइटम वीट निल रेटेड कैटेगरी में बनाया है और निल रेटेड आइटम्स पर 0% टैक्स लगता है। अब हम इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए अब हम इस निल रेटेड परचेस की रिपोर्ट GSTR2 में देख लेते हैं। सबसे पहले पीरियड चेंज कर लेंगे। देखिए, यहां हमें निल रेटेड इनवॉइसेस दिखाई दे रहा है, पर इसके सब ऑप्शंस दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। उसके लिए हम ऑल्टर प्लस F5 कीज को प्रेस करेंगे। ऐसा करते ही हमें निल रेटेड इनवॉइसेस के अंदर चार ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, कंपोजिशन, एग्जेम्प्ट, निल रेटेड और नॉन जीएसटी। चूंकि हमने निल रेटेड गुड्स की एंट्री की है, इसलिए वो हमें निल रेटेड में दिखाई देगा। हम इस पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, हमारे द्वारा की गई एंट्री यहां पर दिखाई दे रही है। अब हम एक बार एस्केप की प्रेस करेंगे।
ये देखिए, यहाँ nil rated में टैक्स अमाउंट में कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की सप्लाई पर 0% टैक्स लगता है। और यही कारण है कि यहाँ पर ITC भी अवेलेबल नहीं है। अभी हमने nil rated गुड्स की परचेज एंट्री करना सीखा। आइए अब हम exempted गुड्स की परचेज भी देख लेते हैं। हमने 1 अगस्त को सुधाकर ट्रेडर्स से 100 लीटर दूध 40 रुपए प्रति लीटर के भाव से उधार खरीदा, जिसका बिल नंबर है 15। ये हम नेम ऑफ आइटम पर आ गए हैं। यहां हमें मिल्क सिलेक्ट करना है जो कि बना हुआ नहीं है, तो हम इसे बना लेते हैं। नेम में टाइप करेंगे मिल्क, अंडर में प्राइमरी ही रहने देंगे, यूनिट में लीटर की यूनिट क्रिएट कर लेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल ही रहने देंगे। अब सेट ऑब्लिक ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करें। ऐसा करते ही जीएसटी डिटेल्स की स्क्रीन आ जाएगी। यहां डिस्क्रिप्शन में हम मिल्क टाइप करेंगे, HSN/SSE में 0401 टाइप करेंगे, इज नॉन जीएसटी गुड्स को नो रहने देंगे, कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू ही रहने देंगे। अब टैक्सेबिलिटी में तीन ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। चूंकि मिल्क एग्जेम्प्टेड गुड्स में से है, इसलिए यहां हम एग्जेम्प्ट सिलेक्ट करेंगे। एग्जेम्प्ट सिलेक्ट करते ही हम स्टॉक आइटम क्रिएशन वाली स्क्रीन पर आ गए हैं। यहां टाइप ऑफ सप्लाई में हम गुड्स सिलेक्ट करेंगे और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे। हम 100 लीटर दूध 40 रुपए प्रति लीटर के भाव से खरीद रहे हैं। वैसे तो यहां हमें CGST और SGST के लेजर सिलेक्ट करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये आइटम एग्जेम्प्टेड है। पर आपको समझाने के लिए हम CGST और SGST के लेजर सिलेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए, यहां कोई भी टैक्स कैलकुलेट होकर नहीं आया, क्योंकि जब हमने मिल्क का स्टॉक आइटम क्रिएट किया था तो टैक्सेबिलिटी में एग्जेम्प्ट सिलेक्ट किया था, और हम जानते हैं कि एग्जेम्प्टेड गुड्स पर कोई टैक्स नहीं लगता है। और अब इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए अब हम इस एग्जेम्प्टेड परचेज की रिपोर्ट GSTR2 में देख लेते हैं। ये देखिए, यहां हमें nil rated invoices दिखाई दे रहा है। हम ऑल्टर और F5 कीज को प्रेस करेंगे। ऐसा करते ही हमें nil rated invoices के चारों ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इनमें से हम exempt पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, हमारे द्वारा की गई एंट्री यहां पर दिखाई दे रही है। अब हम एक बार एस्केप की प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं, यहां एग्जेम्प्ट में टैक्स अमाउंट ब्लैंक है, और इसीलिए ITC भी अवेलेबल नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि नॉन जीएसटी गुड्स को कैसे परचेस करते हैं। हमने 1 अगस्त को आशा पेट्रोल पंप के कैश मेमो नंबर 2153 से ऑफिस की गाड़ी के लिए 5 लीटर पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के भाव से 500 रुपए नगद देकर खरीदा। ध्यान रखें, इस पेट्रोल का हम कोई व्यापार नहीं कर रहे हैं, इसका उपयोग तो हम अपनी गाड़ी में करने वाले हैं, यानी ये हमारे लिए एक्सपेंस है, और इसकी एंट्री हम इस तरह पेमेंट वाउचर में कर सकते हैं। चूंकि यहां हम आपको नॉन जीएसटी गुड्स का प्रभाव जीएसटी रिपोर्ट में दिखाना चाहते हैं, इसलिए इसकी एंट्री परचेज वाउचर के अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में कर रहे हैं। यहाँ हमने आइटम इनवॉइस मोड में ये एंट्री इसलिए नहीं की है क्योंकि हम इसका व्यापार नहीं कर रहे हैं, ये तो हमारे खुद के उपयोग के लिए है। यहाँ पर हम सप्लायर का इनवॉइस नंबर और यहाँ सप्लायर की इनवॉइस डेट टाइप करेंगे, पार्टी नेम में कैश सिलेक्ट करेंगे, पार्टी डिटेल में आशा पेट्रोल पंप टाइप करेंगे, रजिस्ट्रेशन टाइप में अननोन सिलेक्ट कर लेंगे। पर्टिकुलर में हमें पेट्रोल एक्सपेंस का
लेजर सिलेक्ट करना है जो कि बना हुआ नहीं है, तो पहले हम उसे बना लेते हैं। नेम में टाइप करेंगे पेट्रोल एक्सपेंस, अंडर में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस सिलेक्ट करेंगे, टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल ही रहने देंगे, जीएसटी एप्लीकेबल ही रहने देंगे, सेट और ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करेंगे। यहां लेजर के लिए डिस्क्रिप्शन टाइप करें, HSN ऑब्लिक SSC में पेट्रोल का HSN कोड 2713 टाइप करें। अब चूंकि ये नॉन जीएसटी गुड्स है, इसलिए इस नॉन जीएसटी गुड्स को यस करेंगे और इस स्क्रीन को सेव कर लेंगे। ऐसा करते ही हम लेजर क्रिएशन वाली स्क्रीन पर आ गए हैं। यहां टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स सिलेक्ट करेंगे और फिर इसे सेव कर लेंगे। यहां पर हम 500 टाइप कर रहे हैं। ध्यान दें, इसके बाद यहां पर हम जीएसटी का कोई लेजर सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नॉन जीएसटी गुड्स में जीएसटी का सवाल ही नहीं है। नीचे नरेशन टाइप करेंगे और अब इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए अब हम इस नॉन जीएसटी गुड्स की रिपोर्ट GSTR2 में देख लेते हैं। ये देखिए, यहां हमें निल रेटेड इनवॉइसेस दिखाई दे रहा है। इसके सब ऑप्शंस देखने के लिए ऑल्टर और F5 कीज को प्रेस करेंगे। अब हम नॉन जीएसटी पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, हमारे द्वारा की गई एंट्री दिखाई पड़ रही है। अब हम एस्केप की प्रेस करते हुए वापस वाउचर पर आ गए हैं। आइए अब हम एक सेल्स वाउचर बनाकर उसकी जीएसटी रिपोर्ट देख लेते हैं। उसके लिए पहले हमें वाउचर को आइटम इनवॉइस मोड में करना होगा। 2 अगस्त को हम अपने कस्टमर सोहन लाल जी को 30 लीटर दूध 60 रुपए प्रति लीटर के भाव से नगद बेच रहे हैं। ध्यान रखें, ये हमारे प्रदेश के ही हैं और कंज्यूमर हैं। नेम ऑफ आइटम में मिल्क सिलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी 30, रेट में टाइप करेंगे 60। वैसे तो यहां हमें GGST और SGST के लेजर सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये आइटम एग्जेम्प्टेड है। पर आपको समझाने के लिए हम CGST और SGST के लेजर सिलेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए, यहां पर कोई भी टैक्स अमाउंट नहीं आया है, क्योंकि ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई है। और अब हम इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए अब इस सेल्स की रिपोर्ट GSTR1 में देख लेते हैं। ये देखिए, यहां पर निल रेटेड इनवॉइसेस दिखाई दे रहा है। हम इस पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे। यहां पर हम आपको याद दिला दें कि हमने निल रेटेड, एग्जेम्प्टेड और नॉन जीएसटी सप्लाई की परचेज रिपोर्ट GSTR2 में अलग अलग जाकर के देखी थी, जबकि इन तीनों की सेल्स रिपोर्ट GSTR1 में एक ही स्थान पर दिखाई दे जाती है। यहाँ पर्टिकुलर में आप अलग अलग हेडिंग्स देख रहे हैं। इसमें से आपने जिस तरह की सप्लाई की है उस पर जाएं। हमने इंट्रा स्टेट सप्लाई की है, और वो भी एक कंज्यूमर को। और जैसा कि आप जानते हैं कि कंज्यूमर की रिपोर्ट भी अनरजिस्टर्ड पर्सन में दिखाई पड़ती है, तो हम डाउन एरो की से इंट्रा स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन पर जाएंगे और फिर राइट एरो की से एग्जेम्प्टेड पर जाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, अभी हमने जो एग्जेम्प्टेड गुड्स की एंट्री की थी वो यहां पर दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया निल रेटेड, एग्जेम्प्टेड और नॉन जीएसटी सप्लाई क्या होती है, टेली प्राइम में इनकी एंट्री कैसे करते हैं और इनकी जीएसटी रिपोर्ट कहाँ दिखाई देती है। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कंपोजिट डीलर से परचेस कैसे करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।